एक्साइटेड है। किस गधे से पाला पड़ गया है मेरा। अब क्या करूं? जो भी हो पर प्यार है मेरा। पर अगर आज चंकुक ने मेरे हॉबी को मार दिया तो वैसे उसकी हरकतें भी मार खाने वाली है। पर फिर भी मैं तो शादी से पहले ही विधवा हो जाऊंगी। अगर मुझे कोई ऐसे लव लेटर देता तो मैं तो कब की पड़ गई होती। क्या सोचो कितना रोमांटिक होता जब मैं पहली बार मेरा सीक्रेट एडमायर से मिलती। तेज हवाएं चलती। उसकी खुशी की वजह कोई और बने ये मैं होने नहीं।
कभी कभी जंगकुक को क्या हो जाता है? ये जंगकुक तो ते के लिए ही ठीक है, मेरा मोची बहुत नाजुक है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पता नहीं ये मुझे क्या हो रहा है, टाउन के मुँह से किसी और के बारे में सुन के मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। रबाया धर पे यार के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनू दिल दा वास्ता आज दिन चढ़ा रंग रंग बेबी रंग तेरे रंग नाइस फ्रेंड तुमने बहुत अच्छे किया बेबी मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ वेट वेट बख्शा गुनाहों तू
तूने सबको ही धीरे से करो वरना तुम्हें लग जाएगी। मेरी भी आँखों को सुन ले, दुआओं को मुझको आवाज़ दिला। बस थोड़ा सा और खुल गया। अब ज़िंदगी का मकसद है बस तुम्हारा साथ। लोग कहते हैं ये तुमसे हाथों में लेके हाथ। बेबी जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, नीचे सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट कहाँ जाने का प्लान है? क्लब? नो। यस? नो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मिस्टर हस्बैंड? तुम हो मेरा प्रॉब्लम। ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए थी। तुम हो मेरी प्रॉब्लम। तुम दोनों प्लीज लड़ना बंद कर सकते हो? नहीं कर सकता। तुझे क्या? किटी मैं क्लब जाऊंगी, अगर तुम लोगों को आना है तो आ जाना, वरना मैं अकेले ही चली जाऊंगी। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाते हो। देख लेना पैरों से जाऊंगी। मैं पैर तोड़ दूंगा तुम्हारा। गाइस टिकट से स्टील। जंगकुक क्लब जाने में प्रॉब्लम ही क्या है, बस कुछ देर के लिए चलते हैं। होगा बात क्या है बाद में सुन लेना।